कक्षा 11वीं विषय गणित प्रश्नावली 21 से अध्याय 21 प्रायिकता। एक पासे तथा एक सिक्के को एक साथ उछलने से प्राप्त प्रतिदर्श बिंदुओं का वर्णन कीजिए। अब प्रतिदर्श समष्टि जो होगी वो निम्नानुसार होंगे। प्रतिदर्श समष्टि निम्नानुसार होंगे। किस कंडीशन में? जब एक पासे तथा एक सिक्के को हम उछलते हैं तो मान लो एस बराबरी से। कंडीशन देखिए, पासे पर मान लो एक प्राप्त हो गया हेड, ठीक है। पासे पर मान लो एक प्राप्त हो गया टेल, ठीक है। पासे पर दो प्राप्त हो गया हेड, पासे पर दो प्राप्त हो गया टेल, पासे पर तीन प्राप्त हुआ सिक्के पर हेड, पासे पर तीन सिक्के पर प्राप्त हुआ टेल, पासे पर चार सिक्के पर प्राप्त हुआ हेड, पासे पर अंक चार सिक्के पर प्राप्त हुआ टेल, पासे पर अंक क्या पाँच सिक्के पर प्राप्त हुआ हेड, पासे पर अंक पाँच सिक्के पर प्राप्त हुआ टेल, पासे पर अंक छः सिक्के पर प्राप्त हुआ हेड, पासे पर अंक छः सिक्के पर प्राप्त हुआ टेल। अब इन सबको यदि काउंट करें तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह। तो हमारे पास में इस प्रकार की कंडीशन में क्या नंबर ऑफ एस बराबरी से टोटल प्रतिदर्श समष्टि नंबर ऑफ एस बराबरी से कितने 12 प्राप्त हुए। उम्मीद है आप सबको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष कर धन्यवाद।